अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। क्या बात है, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर दिए गए, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बादी होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी। नहीं छोड़ने को, ये बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश ठिकेदार भट्टा करेगा। साजिश खुल गई। नहीं खाली करने का। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन, 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होने का। मैंने 7 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे आएगा, उसका इल्जाम वो पूछेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। आगे क्या करोगे? कानून वापसी हो गए, जिसको आज के लिए आए हैं।